फाइनली बीपीएससी तैयारी 3 पॉइंट का रिजल्ट डेट आउट कर दिया गया है। अभी अभी जस्ट एक अपडेट निकल के सामने आ रही है जो कि मैं आपको पूरा ए टू जेड प्रोसेस के साथ दिखाने वाला हूं। सभी जिलों को भेजा जा चुका है जीएडी रोस्टर क्लियरेंस जारी। ये क्या कुछ है, कटअप कितना जाएगा, संपूर्ण चर्चा इस पर हम करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स सिंपली दिखाते हैं यहाँ पर क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो यह बिग अपडेट है एचएम और हेड टीचर और TRE3 अभ्यर्थियों से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। वो क्या कुछ है, तो 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा में आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी, 10 अक्टूबर तक आपको जारी हो सकता है, मतलब उसके आसपास हो सकता है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब 15 अक्टूबर से पहले तक आप कन्फर्म रहिए कि एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने एचएम हेड टीचर का रोस्टर क्लियरेंस कर जीएडी को भेजा पत्र। कल सोमवार को जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र, मतलब कल ही जो है जीएडी से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। तो रिजल्ट जैसे ही वो भेजा जाएगा वैसे ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही जारी करेगा रिजल्ट। जो 65% की उम्मीद लगा रखे तो 65% पर नहीं आएगा, अब जो है 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही रिजल्ट जारी होगा। विजयदशमी से रजनीश कुमार सर का कहना है, न्यूज 18 के पत्रकार है रजनीश सर, इनके बातों पर भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। विजयदशमी से पहले एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट का लक्ष्य रखा हुआ है, टारगेट है कि विजयदशमी से पहले जो है एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट दे दिया जाए ताकि यहाँ पर जो दुर्गा पूजा जो है उनका तोहफा यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं उनको मिल सके, ठीक है ना। वही TRE3 के रिजल्ट को भी मिल गई है हरी झंडी। TRE3 के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भावी टीचर हैं, वो आप भी अब क्लियर रहिए क्योंकि 25 जिले ने विभाग को भेज दिया पत्र और 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस होगा प्राप्त। 1 अक्टूबर तक सभी जिले से, जितने भी जिले हैं बिहार के, वहाँ से विभाग को रोस्टर क्लियरेंस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर काफ़ी जोरों से काम चल रही है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। और 6 अक्टूबर तक GAD के माध्यम से आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र। तो जैसे ही आयोग को रोस्टर क्लियरेंस का पत्र मिल जाएगा वैसे ही BPSC आयोग रिजल्ट पब्लिश कर देगी। अब कब करेगा, तो 20 अक्टूबर से पहले TRE3 का रिजल्ट जारी करने का भी लक्ष्य रखा हुआ है। तो TRE3 वालों के लिए भी बिग अपडेट है कि आप 20 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको पल पल के अपडेट देते रहूँगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है रिजल्ट जब पब्लिश होगी तो 65% पर नहीं, 50% के आधार पर ही रिजल्ट पब्लिश होगी, ठीक है ना। तो ये था आज का अपडेट, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अपडेट बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और जो बच्चे कटअप के लिए बोल रहे थे, मतलब आप लोगों को कटअप की ज़रूरत है तो फिर से बोलिएगा, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। हालांकि कटअप का वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी मैं पहले बनाया हूँ, लेकिन फिर से सर्वे करने के बाद जो कटअप निकल के सामने आई है उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अब जो है 65% के आधार पर रिजल्ट बनेगी, तो रिजल्ट उसके माध्यम से कटअप कितनी जा सकती है इसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो अभी भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि BPSC से रिलेटेड जितने भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय।